बड़ा दिखते हैं। इधर पानी कहीं जाने वाला भी व्यवस्था नहीं है। सूखने में लगेगा इसको 4-5 दिन ना। मौसम ठीक रहेगा तो सूख जाएगा। बलवर है तेरिया है नीचे वाला सब पानी भर गया। माटी तो भर ला है सब लेकिन तब इसमें देख रहे हैं बिछाया। इतना ही बारिश में यहाँ पे आ गया ना। 4-5 दिन बढ़ जाएगा तब सब लोग घर में पानी घुस जाएगा ना। गजब स्थिति है। तब कहाँ चलिए जटा की यहीं से खरीद लिया जाए। चलिए देख लीजिए जटा अपना घूम आएगा। बैठे बैठे की जगह मन नहीं लगता है। हम लोग हैं थोड़ा सा हाँ घूमते फिरते रहते हैं। खुला है तो सब लोग गए हैं। पत्ता तो लाई है सब खिलाएगी। कौन सी लाई है? वो का पत्ता गन्ना का सब गाय भैंस सब खिलाएगी। सब पावर हाउस ऊंचा जगह पे है तो बिजली सप्लाई कर रहा है। ये भी नीचे रहता था खत्म होता है। इतने में इतना पानी सब हो गया। और ये बांध के तरफ से पानी इस साइड में बह रहा है। इधर कम से कम सरकार को इस साइड में पोखर ओखर चाहे बड़ा बड़ा सब खोलवा। पोखरा खोजते हैं तो नहीं मिलता। पानी सब उसमें भरता तो पानी भरेगा नहीं। कहीं पोखर बनेगा नहीं चाहे पानी को ऐसे करने के लिए कि किसी जगह पे सेफ हो जाए। बाद में उसमें मछली उछली के लिए भी फायदा हो जाए। थोड़ा सा गाँव से दूर बनवेबे नहीं किया। सब लेवल एरिया है। इस साइड में जिधर आबादी है उधर नीचे है। जिधर आबादी नहीं है ऊंचा है। सब पानी तो इधर करेगा। बारिश रात को ज्यादा हो जाएगा तो छत पर रोड पर भी पानी आ जाएगा। कहाँ है थी पानी भरल बा। बहुत ज्यादा पानी भर गई बा। मछली में मारने लगे रत्ती भर भी पानी नहीं खाई। छो में देखे कितना पानी होता। बारिश पहले हुआ होता तो सब धान उनको बढ़िया से होता। यहाँ से बिहार खत्म यूपी शुरू। इधर यूपी का एरिया हो गया। हाँ तो लगल में बिहार का अच्छा बाढ़ वाला एरिया है। हाँ,
सब लोग वही लोग ना के पहुँचेगा। अब धान उन इधर खत्म है, अब पानी का कौन फायदा है? अब चल पानी में काट रहे बाजार से घूम आए हैं। अच्छा अच्छा जटा नहीं गए थे ना? गए थे खाना पर, सब्जी भी मिलता है लेकिन लगाया नहीं है, इतना बारिश हुआ है कि नहीं लगाया। चला जाता थोड़ा, बारिश खुला है, घूम करके बाजार से आया। हाँ चला गया बाजार में। हाँ मुर्गा मरल में हुआ। मुर्गा? हाँ मुर्गा रहे जाता है थाना पर। यहाँ देखा मरल है? यहाँ तो अभी नहीं तो मालूम। हाँ यहाँ आज नहीं। चल जाओ सही ना पावर दे और लड़ाई तो दोनों में सही निकाल दिया था। मैंने कहा कि मुर्गा में इंजेक्शन रहा था आता फोटी आई आधा किलो आता मुर्गा आई था ढाई सौ आता फोटी आई था आधा किलो अपना बना खाइ सामान कमी बा दोस्त आदमी खाई सामान और जाओ 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 पैसा ली
चले के खसी जाइए आधा किलो मुर्गे लेकर आई तो डेढ़ पीस से दो पीस हम ज्यादा ना खाएंगे अच्छा हो गया। 250 खसी मुर्गे में क्या होगा, कम से कम 1 किलो मंगाइए ना, आधा किलो खसी ठीक है, नहीं तो 250 मुर्गा एक आदमी पर ना खराब हो गया मुर्गा ठीक नहीं है ना, साफ नहीं ठीक है, ये बर्बाद करेगा खाना के से लोग तो घुटने पर बेचारा पानी में चला गया। हां देखिए बहुत पानी तो कोनी देखते हैं क्या कोई लाओ यार चले गए जो कोनी बोल रहा ना हो हम भी ना हालत है डेली खाना पर ना रहे ना रहे कुछ तो सब्जी ले 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 जगह चले गए ले ओके सब का तुम जाई थी ताओ ए तो आप लोग जाइए हम पदलों चल जाए क्या गाड़ी का व्यवस्था कर लेते हैं। क्या सर भर गया पूरा नहीं चला उस साइड से डाल के करना पड़ेगा। तो मनीष का सब भेज दीजिएगा तो पनीर निकाल के थोड़े इधर तो पनीर कम हुआ है कुछ तो पूरा क्वार्टर ले पानी घुस गया है। घुस गया है अंदर तक उस साइड से कीजिए ना तब देते हुए पनिया प्रेशर बनाएगा ना निकल जाएगा। जाम है आगे ही देखिए दो आदमी को ही करना पड़ेगा जाम नहीं है जाम है
सब पत्ता उत्ता उधर से आकर के सुन पूरा भर गया। पूरा सब मटिये से भर दिया है सब, नहीं खुल पाएगा सब, निकलिए। इतना वहाँ मेहनत किया, यहाँ तो अगर नहीं कुछ फसल होगा पूरा फंस गया है, यहाँ तो वहाँ पर जाम हो गया दिखती है मिट्टी कुदार से थोड़ा सा जितना खींचा भगवान है पत्थर पत्थर का ईटा इसमें गिरा दिया है ये तो नहीं तो खाली पानी स्टीमर भी चला था दाह संस्कार भी लग रहा है कि होने वाला है। ये देख रहे हैं लकड़ी उकड़ी सब रखा है सब, लकड़ी सब जंगल में से छान छान के लाया है, पकड़ा है जब ऊपर निकलता है ना तो छान के मार लाइए ना, चलिए ना आप लेते हैं वीडियो। मछली तो खिला रहा है लेकिन बहुत महंगा खिला रहा है, खड़ा चला जाएगा सीधे सीधे खड़ा चला जाएगा। यहीं पे ऊपर नेवा के सब उड़वाई है इधर पर्यटन केंद्र।
देखिए ये यूपी में इस साइड को पर्यटन केंद्र बना दिया है, लोग आ रहा है, लोग घूम रहा है, लोग ये थोड़ा सा अपना उस साइड बिहार में कर देता वहाँ भी लोग बहुत ऐसा होटल कुछ मिल जाता। लोग भी जो गरीब लोग हैं वो लोग भी कुछ कुछ कमाता, लोग मछली मारने वाला है चाहे खाना वाना बनाने वाला है। कहाँ 25 किलोमीटर पे दिए 92 किलोमीटर लगा दी। वह सब मछली के लिए फेमस ना है। झींगा खाएंगे, झींगा है? झींगा नहीं पता है। गोल पीस में से कर दीजिए पावर आज के झींगा कितना उसको भी वजन करके मिलता है ना? वजन करके मिलता है। हाँ पेटी उतनी मत रखी उसमें झींगा जितना उतना सब झींगा बड़ा था। आपके ऊपर हम लोग आए थे दोस्त यहाँ लोग हमारे मतलब सर्विस करते हैं लोग मतलब हम ये काम है मतलब 2000 मदरी खाए थे अच्छा 5 लोग थे
यहाँ बैठे हैं ठीक है सब सब मछली का होटल है ना। अभी शुरू हो गया ना पैसा चितौनी वहाँ पे कोई कुछ खास जगह फेमस है मछली पूजा के लिए पनिया प्रसिद्ध है। अच्छा होटल है मछली पूजा के लिए यही प्रसिद्ध है वाला है मीठ लगा नहीं मिलता बैठने के लिए। हाँ है कुछ होटल वाला है देखेंगे तो लोग बने के लिए भाई मतलब इसका दुकान इतना चलता हो। सब रेलवे का एरिया है पेड़ तो बढ़िया है पूरे एकदम पीछे तक पेड़ लगा है पौधा तो सब मतलब यहाँ बढ़िया मिलेगा आपको।
इसमें अजगर इस एरिया में काफी रहते हैं। बढ़िया लोकेशन है सर। घर वो ढहा था कुलोही में तन देख ले उनकर नहीं बताओ तो हमारे चपट ढहाई बामर मोचल बाब तन भैया इसको ही देख भाई ठीक है भैया ठीक है भेज देते हैं व्हाट्सएप पर। पौधा मोहगनी लगा हुआ है पूरा एकदम बड़ा बड़ा हो गया। हाँ बड़ा हो गया। बुलाए काम को जिनका है वाजी है क्या यहीं पे तो वो कुछ प्रेम रखते हैं। साफ फोटो भी नहीं खिया होते कि हवा तो साफ चलो जी खुरा रंता को धान भाग लगो सब फोटो भी नहीं खिया होते कि करे तो और वीडियो हाँ तो साफ चलो जी खुरा रंता को धान भाग लगो लालमी को खेती कर बहुत अति मेहनत के काम भाई देखा तो नहीं बाप रे बाप भाई पूरा पानी में नदी में से लिया लिया गया बाद में अगर रेट इतना गिर जाए
अरे रोज पटक पड़ रहा एक बार पार दी तो कब ले ले। हाँ एक प्रकार दिखो जी।